नाउ सीइंग दिस आई एम काइंड ऑफ जेलस। अगर मेरे पास ये ऑप्शंस होते ना स्कूल कॉलेज में, मैंने सारे टीचर्स को इम्प्रेस कर देना था। अब काफ़ी क्लीन है, कितने अच्छे से इसका एनिमेशन हो रहा है, एंड इट लुक्स रियली नाइस। वाह, अभी के टाइम पे अगर आप लोग स्टूडेंट हो, पीपीटीज बनाते हो, या फिर इनफैक्ट इन कॉरपोरेट में भी हो, तो वाह, दैट्स अ ग्रेट टाइम टू बी लिविंग इन। सो हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। आप लोग देख रहे हैं अप्स के लिए AI हिंदी चैनल, जहां पर हम लोग AI को काफ़ी आसान कर देते हैं आप लोगों के लिए। आज हम लोग बात करेंगे PPT को AI की हेल्प से फॉर फ्री A to Z कैसे बनाएं, कैसे प्रॉम्प्ट यूज़ करें, कैसे रिसर्च करें, कैसे उस रिसर्च से स्लाइड्स के लिए प्रॉम्प्ट बनाएं, कैसे फ्री टूल का यूज़ करें, कैसे प्रेजेंट करें, सब कुछ बताएंगे आज के इस फ्री वीडियो में। तो बिना किसी डिले के चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। नाउ बिफोर वी गेट स्टार्टेड, इसको तीन मॉड्यूल्स में हमने डिवाइड किया है। मॉड्यूल 1 में रहेगी रिसर्च, कि अपने टॉपिक के ऊपर हमें रिसर्च कैसे करनी है। सेकेंड मॉड्यूल में रहेगा कि उस रिसर्च के थ्रू हमें स्लाइड्स के लिए जो प्रॉम्प्ट है वो कैसे बनाने हैं। एंड थर्ड में हम लोग उस प्रॉम्प्ट का यूज़ करके हमारी PPT बनाएंगे AI की हेल्प से। अब लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं मॉड्यूल 1 से, जो कि है रिसर्च। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए टॉपिक। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्यूचर ऑफ AI इन e-commerce। और यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट रहेगा, ये जितने भी प्रॉम्प्ट्स हैं इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। जो हमारा पहला प्रॉम्प्ट रहेगा वो ये रहेगा। यहाँ पर आपको जाना है ChatGPT में। इसके बाद इसमें से हम लोग यहाँ पे रीजनिंग इसकी ऑन कर देंगे, एंड देन वी विल एंटर दिस। ये हमें क्या दे देगा? ये हमें ऐसे क्वेश्चन दे देगा जिससे हमें रिसर्च करनी है। हमें किस पे रिसर्च करनी है, कौन कौन से हमें टॉपिक्स इंक्लूड करने चाहिए हमें रिसर्च में, वो ये वाला प्रॉम्प्ट बताएगा। तो इसके लिए हमने इसको टाइटल दिया है हमारा, और उसको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं जो हमें रिसर्च में हमारे चाहिए, जैसे कि केस स्टडीज, रिसर्चेस, प्रडिक्शंस, ट्रेंड्स, कोर AI टेक्नोलॉजीज। तो जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड हो वो यहाँ आ जाएगा, एंड ये इसने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, रिसर्च ब्रीफ और अप बिल्ड अपॉन दैट ब्रीफ, अप टू डेट्स एंड साइटेशन। ठीक है, ये रहा इंस्ट्रक्शंस फॉर रिसर्चर्स एंड रिसर्च फाइंडिंग्स। इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है एट प्रेजेंट, हमें यहाँ पर सिर्फ इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, तो अब ये आ गया है। अब जो सेकेंड चीज़ रहेगी उसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा मानस AI के ऊपर, जहाँ पर हम लोग इस डेटा के थ्रू रिसर्च करेंगे। नाउ ये ChatGPT के थ्रू भी हो सकता है, बट मानस AI इज़ वॉट आई प्रिफर्ड। आपको नहीं पता है मानस AI, तो उसका एक पर डिटेल ट्यूटोरियल बनाया है, वो आपको मिल जाएगा। ये वाले लिंक पर चले जाना और यहाँ से साइन अप कर लेना। तो आपको यहाँ पर जो अभी इनका प्रोमो ऑफर है, 1900 क्रेडिट्स और 500 क्रेडिट्स फॉर फ्री मिल जाएंगे। फ्री है, रिसर्च के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है ये, तो इसीलिए हम लोग मानस AI का यूज़ करेंगे। तो ये रहा प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पर आपको जो इसका प्रॉम्प्ट है वो ये वाला हम लोग प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे, कि मुझे एक डीप रिसर्च करनी है फ्यूचर ऑफ AI इन e-commerce को लेकर के। वो हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे, फिर यहाँ पे नीचे डाल देंगे कि ये सारे टॉपिक्स पर आपको रिसर्च करनी है। एक बार आप इसको गो थ्रू कर लेना कि ये आपसे रिलेवेंट है कि नहीं है, उसके बाद यहाँ पर वी विल क्लिक सेंड। आफ्टर दिस मानस AI फेजेज में इसकी रिसर्च को कंडक्ट करेगा। पूरा इसमें जो भी रिसर्च का प्रोसेस है, इसमें आराम से आपको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। और जैसे ही इस मानस AI का रिसर्च प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको दो फाइल्स देखने को मिलेगी, दो या तीन फाइल्स वो अपने हिसाब से दे देता है। तो ये हमारा यहाँ पर रिसर्च डेटा आ चुका है। एक ये वाली फाइल में है पूरा जो भी रिसर्च इसने करी है, एंड सेकेंड एक ये वाली फाइल में है, एक AI इन e-commerce रिसर्च की फाइंडिंग्स। आपको इन दोनों फाइल को डाउनलोड कर लेना है इन मार्कडाउन फॉर्मेट 1, और जो है दूसरी वाली फाइल रहेगी इसको भी हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। तो अब हमारा मॉड्यूल 1 यहाँ पे ख़त्म हो गया है, हमने हमारी रिसर्च कर ली है। अब इस रिसर्च के बेसिस पर हमें चाहिए हमारा प्रॉम्प्ट। इसके लिए हम लोग वापस ChatGPT पे जाएंगे, एंड देन वी हैव दिस प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट नंबर 3, जहाँ पर हमने उसको बोला है कि जो भी हम अभी इसको फाइल्स दे रहे हैं वो उसके बेसिस पर एनालाइज करके हमें प्रॉम्प्ट दे दे PPT के लिए। तो अब इसको मैं आपस से थिंक फॉर लॉन्गर कर देता हूँ, यहाँ पर हमारी फाइल्स को अटैच कर देंगे। तो ये दोनों फाइल्स को अटैच कर दिया है, और उसके बाद हमने इसको बोला है कि अब ठीक है, अब हमें आउटपुट दे दो आप। तो अब यहाँ पर हमें आउटपुट आ गया है, स्लाइड 1 का टाइटल डेटा, 2 का टाइटल डेटा। तो एक ये प्रॉपर हमारे पास स्लाइड का फॉर्मेट आ गया है। अब आपको जाना है AI प्रेजेंट करने के लिए। अब हम लोग जाएंगे तीसरे मॉड्यूल के ऊपर। तो AI PPT क्रिएट करने के लिए द वेबसाइट वी आर गोइंग टू यूज़ इज gamma.app। ये फ्री में है, इसका लिंक नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आके साइन अप कर सकते हो फॉर फ्री। अब यहाँ पर जैसे ही आप लोग अपना अकाउंट बना लो, कोई क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स नहीं जाननी है, कोई पैसे नहीं देने हैं, ये भी फ्री अकाउंट है जिसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको आ जाना है, जैसे इस पे लॉगिन करोगे यू हैव टू क्लिक क्रिएट न्यू AI। यहाँ पर पेस्ट इन टेक्स्ट,
यहाँ पर जो भी हमारी स्क्रिप्ट जनरेट हुई थी चैट जीपीटी ने जो हमें दिया था, स्लाइड 7, स्लाइड 8 एंड 12 तक, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पूरा कॉपी, ये आ गया है। विल क्लिक पेस्ट हियर और फिर नीचे आ जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है समराइज लॉन्ग टेक्स्ट, कंटिन्यू टू प्रॉम्प्ट एडिटर एंड ठीक है। यहाँ पर इसने फ्री फॉर्म किया है कार्ड बाय कार्ड या स्प्लिट फॉर्म मी, इसको हम लोग यहाँ पे कार्ड बाय कार्ड करके स्प्लिट कर देंगे ताकि ये जो स्लाइड वन है वो एक कार्ड में आए, स्लाइड टू ये देखो। तो अब ये डेटा इसने ऑटोमेटिकली यहाँ से स्प्लिट कर लिया है एंड यहाँ पर इसने नीचे हमें ग्राफ्स भी दिए हैं। स्लाइड फोर पे उसने ये बोला है तो इसको मैं कॉपी करके स्लाइड फोर वाले कार्ड पे डाल दूंगा, दिस वन कॉपी कर देता हूँ। और एक और था स्लाइड सेवन के लिए बार चार्ट, लेट्स सी बार चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 10 स्लाइड्स हो चुकी है। अब यहाँ पर हम लोग इसको करते हैं क्रिएट, ये रहा नीचे कंटिन्यू का बटन। ये 40 क्रेडिट्स यहाँ पे कंज्यूम करेगा हमारे, अब यहाँ पे फ्री ही मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद ये हमें थीम पूछेगा कि कौन से कलर में आपको चाहिए, तो मैं यहाँ पे लाइट ले लेता हूँ, प्रोफेशनल ले लेता हूँ एंड यहाँ से आप लोग अलग अलग सिलेक्ट करके देख सकते हो, लैवेंडर डायलॉग जो मेरे को जो अच्छा लगता है, दैट वॉज ट्रैंक्विल, दिस वन वॉज नाइस, तो आई विल सिलेक्ट दिस वन, आई विल क्लिक जनरेट। अब ये हमारी पूरी पीपीटी इसने बना के दे दी है बेस्ड ऑन आवर डेटा फ्यूचर ऑफ, ठीक है। यहाँ पर बेसिक सी चीज़ें आ चुकी हैं, इमेजेस लेफ्ट हैंड पर है और जैसे ये है। अब इसका जो लेआउट चेंज करने ना, वैसे इसके बहुत सारे तरीके, जो सबसे अच्छा और आसान तरीका है वो है इसमें आप लोग जा सकते हैं यहाँ पर एडिट विथ एआई एंड यू कैन क्लिक ट्राई न्यू लेआउट और ये आपको इसी चीज़ के नए नए लेआउट दे देगा कि ठीक है अगर मुझे एजेंडा बताना है मैं इस तरीके से भी बता सकता हूँ, आई कैन यूज़ दिस एज वेल, दिस टू, तीन चार आपको ऑप्शन दे देगा। तो अगर आपको लेआउट पसंद नहीं आ रहा है तो यू कैन यूज़ दिस वन और इसके बाद लेट्स सेलेक्ट दिस वन फॉर नाउ एंड देन वी हैव अनदर स्लाइड, एग्जीक्यूटिव समरी, रेवेन्यू अपलिफ्ट, जनरेटिव एआई कितना कंटेंट, ठीक है। इसके बाद अगर आपको यहाँ पर भी कुछ एडिट करना है तो यू कैन जस्ट सेलेक्ट दिस लेआउट कुछ इस तरीके से, ऊपर से आप लोग चेंज कर सकते हो नंबर साइज ऐसे कितना आपको दिखाना है, यू कैन चेंज द लेआउट एज वेल, सर्कल्स में दिखाना है इस तरीके से। तो उसके बाद डिज़ाइन को आप लोग अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। इसका एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल भी है तो अगर आपको अच्छे से सीखना है इसके सारा ए टू जेड कौन कौन से फीचर्स है, क्या क्या आप लोग एग्जैक्टली कर सकते हो, तो वो वाला वीडियो ज़रूर देख लेना। अभी हमारा यहाँ पे ये मकसद था कि मैं आपको बता सकूँ कि अच्छे से आप लोग पीपीटी कैसे बना सकते हो प्रॉम्प्ट से लेकर के ए टू जेड। इसके बाद ये इमेजेस है, इमेजेस को भी आप लोग चेंज कर सकते हो, अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है यू कैन जस्ट डबल क्लिक दिस एंड हम लोग यहाँ पे जाएंगे। एआई इमेजेस को मैं यहाँ पे नहीं यूज़ करता हूँ, पिक्टोग्राफिक इलस्ट्रेशंस का यूज़ करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट एआई ब्रेन, ठीक है। लेट्स सेलेक्ट दिस वन, तो इसने स्लाइड फोर पे हमारे लिए डेटा बना दिया है। अगेन इसको यहाँ से सिलेक्ट करके वी कैन सेंटर अलाइन गेट और इसके बाद एडिट चार्ट डेटा पे जा करके ये सारे आपको डेटास को थोड़ा एडिट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने प्रॉम्प्ट में अपना डेटा नहीं दिया था, मैंने इसको कहा था कि लाइन चार्ट बना दो तो उसने बना दिया लेकिन डेटा उसने अपने हिसाब से लिया है, तो आपको ये डेटा अपने हिसाब से इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। एंड गोइंग डाउन हियर इज़ अगेन कोर एआई टेक्नोलॉजीज, अगर आपको कोई स्लाइड पसंद नहीं है तो यू कैन जस्ट क्लिक हियर, डिलीट दिस स्लाइड इस तरीके से, लीडिंग कंपनीज अगेन आई कैन हॉरिजॉन्टली अलाइन दिस। और यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड पे बहुत सारे इसके बेसिक ब्लॉग्स भी मिल जाएंगे, अगर आपको इसके ऊपर हेडिंग डालनी है, नंबर्ड लिस्ट डालनी है, यू कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप इट हियर, ठीक है। अमेजोन इज द लीडर इन एआई राइट इन एआई ई कॉमर्स राइट नाउ, इस तरीके से यू कैन ऐड मोर थिंग्स। और टेबल भी है यहाँ पर एंड देन अगेन चैलेंजेस एंड एथिकल कंसिडरेशन, आपको ये पसंद नहीं आ रहा है इसका लेआउट यू कैन गो हियर, यू कैन चेंज लेआउट और फिर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। इमेजेस का भी यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से एंड वी कैन यूज़ फनल्स एज वेल, तो बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है, इनके साथ एक्सपेरिमेंट करो, आपको यहाँ पर ज़्यादा मज़ा आएगा और ज़्यादा अच्छे लेआउट्स भी बनेंगे आपके, फ्यूचर ट्रेंड्स, इट लुक्स नाइस। ये रही हमारी फाइनल प्रेजेंटेशन, लेट्स क्लिक प्रेजेंट मोड।
ये हमारी फाइनल प्रेजेंटेशन अभी चल रही है, और इसमें एक और चीज़ अच्छी बात है, स्पॉटलाइट करके, जैसे मैं इसको एस दबाऊंगा या स्पॉटलाइट टर्न ऑन करूंगा, तो सिर्फ पहले वाला यहाँ पर हाईलाइट होगा, फिर देन आई व्हेन आई क्लिक नेक्स्ट तो दूसरा वाला डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा है प्रेजेंट करने के लिए, काफ़ी क्लीन है, कितने अच्छे से इसका एनिमेशन हो रहा है, एंड इट लुक्स रियली नाइस। वाह। और गामा एआई को अगर आपको अच्छे से यूज़ करना है तो इसका डेडिकेटेड ट्यूटोरियल वीडियो देख लेना, जहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन करी है, लेआउट सारे यहाँ पर जितने भी आपको ब्लॉक्स मिल रहे हैं, कार्ड्स क्या होते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, डॉक्यूमेंट कैसे करना है, पब्लिश कैसे करना है, फ्री में पेड में क्या डिफरेंस है, हमने खुद ने पेड प्लान लेके आपको बताया है कैसे क्रेडिट्स को कंज्यूम करना है, कहाँ पर यूज़ करना है, कहाँ पर नहीं करना है, A to Z गामा एआई का पूरा ट्यूटोरियल वहाँ पर आपको मिल जाएगा। नाउ सीइंग दिस आई एम काइंड ऑफ जेलस, अगर मेरे पास ये ऑप्शंस होते ना स्कूल कॉलेज में, मैंने सारे टीचर्स को इम्प्रेस कर देना था। अभी के टाइम पे अगर आप लोग स्टूडेंट हो, पीपीटीज बनाते हो, या फिर इनफैक्ट इन कॉरपोरेट में भी हो, तो वाओ दैट्स अ ग्रेट टाइम टू बी लिविंग इन, जहाँ पर इतने अच्छे से आप लोगों की इतनी ईजीली पीपीटीज अब बन जाती है। एंड अब मैं वैसे बहुत जेलस हूँ, बट अगर आपको और इस तरह से चीज़ें सीखनी है तो हम लोग ऐसे ही हैक्स आप लोग के लिए लाते रहेंगे। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर लेटेस्ट AI ट्यूटोरियल्स, एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, बिकॉज अभी नया चैनल है तो वी आर रियली लुकिंग फॉर योर ओपिनियंस एंड होपिंग टू मेक इट द बेस्ट वन आउट देयर फॉर AI स्किल्स। सो विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।